हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लिंक टू विंडोज के ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने फोन में, क्या होता है ये लिंक टू विंडोज, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सिंपली अगर आप अपना नोटिफिकेशन बार नीचे लाते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिंक टू विंडोज़, इस पर आप क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर लिंक योर फ़ोन एंड पीसी, तो यहाँ पर अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है या जो पीसी है, विंडोज़ पीसी है तो शायद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप लिंक करना चाहते हैं अपने पीसी को, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर लेना है और यहाँ से आपको अपना QR कोड ऐड करना है, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई QR कोड है नहीं, मेरा PC थोड़ा दूर है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है और आपका PC कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन में। यहाँ से ट्राई अनदर वे भी आप कर सकते हैं, अगर आपके PC में QR कोड नहीं है तो आप यहाँ पर साइन इन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ यहाँ पर अपना PC कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है ना, ईमेल यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहां पर कर दीजिए इसे नेक्स्ट। यहां पर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है। उसके बाद आप यहां पर साइन इन करेंगे तो यहां पर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने जो भी फाइल्स हैं पीसी से मोबाइल में शेयर कर पाएंगे बहुत ही इजीली। ये एक दूसरे से बेसिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।